हेलो एंड वेलकम बैक है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि दोस्तों आप भी अगर स्नैपचैट पर किसी भी की फ्रेंड को जो दोस्तों इनवाइट करते हो और आपको एक दोस्तों जो पॉपअप ओपन होता है, ठीक है दोस्तों, पॉपअप में लिखा हुआ होता है दोस्तों यू हैव रीचेबल योर लिमिट ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करोगे इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप पॉपअप में सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन भी लिखा हुआ था, उसके नीचे दोस्तों यू हैव रिजेक्ट योर लिमिट, तो इस तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले फ्रेंड लिस्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारा इंटरफेस यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे फ्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। हम किसी को भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो शो होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार जो ये ऑप्शन शो होता है। तो इसको हम जिसकी भी आईडी पर ये हमें दोस्तों जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये आ रहा है ओपन चैट, इस तरीके से ओपन चैट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोस्तों इसकी सेटिंग के अंदर चले जाएंगे एक बार, ठीक है, सेटिंग के अंदर जाकर दोस्तों जी यहाँ पर जो आपको मेम्बरशिप पर आना है और इसका स्मार्ट बैकअप पर क्लिक करके बैक आ जाना है। अब यहाँ तक करोगे तो फिर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जो आप दोस्तों एक बार आप बैक करके भी देख सकते हो कि दोस्तों जो आपको यहाँ पर आप इस वाले जाओगे तो यहाँ पर स्टोरी फ्रेंड इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑफिस से मैसेज भेजता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मैसेज वगैरह का ऑप्शन भी इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दोस्तों आपको फ्रेंड ऐड के बाद जो दोस्तों वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। कई बार ये आती है तो फ्रेंड ऐड होने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। अरे गाइस वीडियो चलेगा, इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।